जय जगन्नाथ। मु संग्राम पात्र आपण मानक स्वागत करछि ओडिसा बुलाबुल रे कोनुआ ब्लॉग को। आज आसी पहुँचिछि गोपबंधु जन्मभूमि सुवांड निकटस्थ बराड़ ग्राम को, जहाँकि आम जो NH रे जाऊछे पूरी गला बेलू भुवनेश्वर को लेफ्ट साइड अल्प बाटे पड़ो ये बालुंकेश्वर देवंर जो मंदिर अच्छे जावा बड़ू ये तोरणटा पड़ो से ठाकुर ये हूँ चंदन पोखरी। तो चलत मंदिर को जीवा। मंदिर मुख्य द्वार सिंह द्वार मंदिर एक्चुअली तीनो द्वार रही आपण को जो द्वार को आसवाक गाँ भर को पशिला फास्ट गोटे द्वार पड़ो तापर आप द्वार पड़ो आम एंट्री कले ये मुख्य मंदिर को जीवाप द्वार। तो भाईना आमको अपेक्षा कर मुख्य ठाकुर जी अच्छा बालुंकेश्वर ताकू दर्शन करवापर आम परिसर में मंदिर परिसर थी अन्य देवादेवी जो मैंने अच्छा से मैं दर्शन कर ठाकुर मूर्ति बोधे पर अच्छा कलर एवं आम को भाईना पूरा मंदिर चारिपटे जो जो देवादेवी पूजा पाते समस्त को समस्त दर्शन कैमचंद्र पाद कठौ चिन्ह प्रभु जो आसी गुरुगोविंद नदी बालिस्थापन करते पाद दर्शन कठौ चिन्ह अच्छा से सेमती रही आज्ञा के आ किए किए अच्छा प्रभु लोकनाथ रही लोकनाथ आज्ञा अष्टशंभू तो अच्छा अच्छा राधाकृष्ण जगन्नाथ ठाकुर जो जाती दोल पूर्णिमा जात्रा करने दोल जाती बस की आम बारुणी स्थान शिवरात्रि जीवा मसिक आसो से दोल जी सान भाई जो रही बड़पुरी से हरिहर भेट को बारुणी स्थान हरिहर भेट को ये प्रभु ये दोल जाती अच्छा आ गोटे शिवलिंग सूर्य नारायण प्रभु बैद्यनाथ प्रभु बराह रे लक्ष्मी रे अच्छा बराह पछपटे अच्छा माँ का मूर्ति से पुराना ना नुआ सब सरस्वती अच्छा सरस्वती छपट अच्छा जगमान अच्छा पार्वती मंदिर अच्छा ये मूषिक ये गणेश रही गणेश मुख्य देवता बालुंकेश्वर ये हूँ पार्श्व देवता हूँ गणेश गणेश पुणी सेपटे माँ इपटे बाहन रही माँ का मंदिर से तो आगे आम इपटे पलवा इपटेला ऋषशाला ना ऋषशाला तो भी जाए हाँ हाँ अच्छा एपट आप ऋषशाला को मूर्ति मानते कौन पथर ही कार्तिकेश्वर कुमार अच्छा सावित्री ताले पूजा राधाकृष्ण चंदी
108 जलाभिषेक होनु कि 108 जलाभिषेक करले सेपट जति के आगे 108 जलाभिषेक पटा से कि एटा ला पादिक कुंडा पार्वती के कुंडा एतिरो कडा हा से 108 गोडा को जोडा हा अपने मां को पाद देकि एपटे सो पानी जो पादुक गोडा आसी ए जीव पापनासन कुंड को यार गोडा कुंडा अछि पापनाशन कुंड अच्छे पापनाशन कुंड जो मानक संतान संजनी हो रोग व्याधि खंडन कि कह रही गाधेले पादुक पानी ग्रह खंडन मानस जेतु माँ पाद तले जाइथिबा पादुका नळा अछि पादुका नळा उपर आमे चढ़िकी जाई परनांति पादुका नळा उपर चढ़िकी जिबा कथा न तेणु आमे पुणी रिटर्न आसिकी बुलिकी सेपटरु जाउछु सेटा चतुर्दशी बेढ़ा दिन जेतबेले ठाकुर बेढ़ा हबे से परिक्रमा बेढ़ा दिन परिक्रमा अच्छा से दिन आमे देखी जाई परिक्रमा कर परिबे अच्छा तो आमे एठु आगे दर्शन करिक पुणी सेठी जिबा हो एबडे के रहले कहि दियंतु ये दक्षिण काली रहले दक्षिण काली दक्षिण काली अच्छा बाली कपिलेश्वर प्रभु रहिले बाली कपिलेश्वर तापर एपटे के रहिले प्रभु रामचंद्र सीता लक्ष्मण ये हला प्रभु रामचंद्र को मंदिर तापर कौन कहा मंदिर अच्छे भाई ना आमको बुले देखेबे मैंने तापर किए अच्छा छोट पिला जो शीतला माँ शीतला जो छोट पिला शरीर जहाँ ये था क्षीर टी लगे से छोट पिल शरीर ए दिगंबर आज दिगंबर एपटे किए बजा पाँच अर्ध नारी स्वर अच्छा ये प्रभु काल भैरव काल भैरव उठे माँ बाली हचंडी रही अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा प्रभु राधा कृष्ण अच्छा ना ये मंदिर में मिस करी है तले तल्ला पड़ती है आगे चौलंती प्रतिमा अच्छा चौलंती प्रतिमा आगे के क्या अच्छा दे भीतर जाए फिर भी आगे सुना दी भीतर करो प्रभु चंद्रशेखर ताको पत्नी गौरी अच्छा तापे तोड़े की क्या रहले ये रहले अधे हर अधे हरी अच्छा तंबा पीतल अच्छा तंबा पीतल मिक्स मिक्स सेटा होची जागर यात्रा शिवरात्रि अच्छा एटा है पंचवक्र महादेवी अच्छा चारि दिग को चारि मुख आकाश को मुख अच्छा गोटे आज्ञा देखन ऊपर को मुख अच्छा ये हले गोपाल दोल पूर्णिमा जाते अच्छा आ ये हले सान चंद्र शिखर से बोधे रूपा ना रूपा रूपा चांदी रूपा ये अच्छा ये सब चांदी रूपा ये हले गौरी हो मैंने आगो को दोल आसुचे दोल रे जो आपनकर यात्रा हुए दोल यात्रा हुए के जानती बाहर को माने भाई ये सब चलंती प्रतिमा विग्रह मूर्ति समस्त जानती है समस्त जानती हां आज्ञा हलदी पानी दिन भी जीवे प्रथम दोल पूर्णिमा दिन जीवे दोल बदरे बसिकर ताकर यात्रा हो आमर गोटे अहेर पोडा करा होए प्रभु जाई बसंती आम गाँव मुंडे दोल बाजी पर सब पूजा नीति नियम जमी हवा कथा प्रभु मैं जो जाए भी समस्त समस्त गोटे विमान ना अलग अलग विमान गोटे विमान गोटे विमान सब अच्छा आउ कौन कौन पर्व पर्वाणी जाती है चंदन एक दिन अच्छे दिन चंदन पक्ष चाप खेल जात्रा पड़ो आजा उन्नीस तारीख से महावरणी स्नान अच्छा से कौन हुए से दिन आज्ञा रामचंद्र लक्ष्मण सीता पूर्व जुगरे जो तृतीय जुगरे बाली बालुक स्थापन करते भृगु ऋषि घाट से घाट को ये विग्रह मूर्ति विमान दिए जी एटी लक्षाधिक लोक हमें से दिन बारणी स्नान से बारणी स्नान घाट में पहुंचिकी से प्रभु स्नान पत्र पूजा नीति भोग राग प्रचुर कराए प्रभु महात्म अच्छा त्रिजटा मूर्ति आज देखते तीन टा जट धारिकी अच्छा देख
ଆଠଗଡ଼ ରାଜାର ଝିଅଟା ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଯୁଗରେ ପୁଅ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଇଏ ହେଲା ସତ୍ୟଯୁଗର ଖବର। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ରଜାମାନେ ସବୁ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ୟାକୁ କୃଷ୍ଣ ଛାଞ୍ଚରେ ପକେଇ ଗଣିଆକୁ ଡାକି ତିନି ଥର ଆଜ୍ଞା ପକେଇଲେ ଛାଞ୍ଚ ଦେହରେ, କିନ୍ତୁ ତିନି ଥର ତ୍ରିଝଟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ସ୍ୱପ୍ନ କଲେ ରଜାଙ୍କୁ ମୋତେ ବରାଳ ବାଲଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଲେ, ମୁଁ ରାତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ିସିଂହାର ଖଟରେ ଶୟନ କରିବି, ସେଠି ବଡ଼ିସିଂହାର ଖଟିବି ବରାଳ ବାଲଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା, ଏଣୁକରି ସିଏ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଦ୍ୱାରାଟା ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଏଇଠି ଦୁଇଟା ମଣ୍ଡପ ଅଛି, ଏଇଠି ଠାକୁରଙ୍କର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ବେଳକୁ ଠାକୁର ଏଇଠି ବସନ୍ତି। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇପଟେ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆପଣ ଗଲେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରଟା ପାଇପାରିବେ। ମାନେ ଯେଉଁ କୂଅରୁ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ 108 ଜଳାଭିଷେକ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ 108 କଳସୀ ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳିବେ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯେଉଁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡଟା ଥିଲା, ସେ ପାଣି ପୁଣି ସେପଟେ କୁଣ୍ଡ ପଟକୁ ଗଲେ ସେପଟେ କଢ଼ା ହେଲେ ପାପନାସନ କୁଣ୍ଡକୁ ଯିବ। ପୁରା 108 ଭରି ହେଲା ପରେ ପାଣିଟା ଛଡ଼ାଯାଏ ନା? ଆଜ୍ଞା। ନା, ଏମିତି ପାଣି ସେ ଛଡ଼ା? ନା ନା ନା, 108 ଭରି ସରିଲେ ଯାଇକି ସେପଟେ କଢ଼ା ହେବ। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଜଣ ଭାଇନା ଲାଗନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, 12 ଜଣ ମିଶିକି 108। ଇଏ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପୋଖରୀ। ଏହି ପୋଖରୀରେ 21 ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଚାପ ଖେଳିକିରି, ଚନ୍ଦନ ଚାପ ଖେଳିକିରି ସ୍ନାନକୁ ଯାଆନ୍ତି, ମଣ୍ଡପକୁ ତାଙ୍କର ଯାଆନ୍ତି। 21 ଦିନ ଚାପ ରହିଲେ ହଳଦୀ ପାଣି ଠାକୁର ଏଠି ହୁଅନ୍ତି, ଏଇଠି ଇଏ ମଣ୍ଡପରେ ବସିକି ତାଙ୍କର ସବୁ ଧୂପ ନୀତି ହୁଏ, ଚୂଡ଼ା ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ଯାହାର ଯାହା ଇଏ ଥିବ ଏଠି ଭୋଗ କରିକିରି ହଳଦୀ ପାଣି ହେଇକିରି ଚନ୍ଦନ ଚାପ ପ୍ରଭୁ ଖେଳନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବିଭୂତିବାସୀ, ଏହି ବର ଅଛରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆସି ଆଜ୍ଞାମାଳ ଏ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆସିକିରି ଦୁର୍ଗାର ଦିଆ ହୁଏ ଗଛରେ, ଏ ଗଛଠୁ ଆଜ୍ଞାମାଳରେ ଯିବେ ଆଗକୁ, ଯେଉଁଠି ନାଗସାପ ବହନ ମାରିବ ସେଠୁ ଦେଢ଼ ହାତ ଗୋଟେ ହାତ ଖୋଳା ହେଇକିରି ଦେଢ଼ ହାତରେ ସେ ମାଟି ତକ ଯିବ, ଯିବା ଭିତରେ ସେଇଟା ଢିକିରେ କୁଟା ହେବ, ଢିକିରେ 8ମୀ 9ମୀ 10ମୀ ଦଶହରା ଦିନ ସେ ପୂଜା ପାଇକିରି ବାହାରିବ। ଆଉ ସେ ବିଭୂତି ଆଜ୍ଞା ନିଃସନ୍ତାନୀ, 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ବିବାହ ରହିଥାଉ, ସନ୍ତାନ ନଥାଉ, ଏ ବିଭୂତି ଦେଲେ ସେ ସନ୍ତାନ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ କୌଣସି ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟର ଯାହା ଦେହର ଶରୀରର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ସବୁ ସଫଳ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ହେଉଛି ଭାର୍ଗବ ନଦୀ, ବରାଳ ବାଲୁକେଶ୍ୱର ଦୁଇ ଭାଇ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି ଭାର୍ଗବ ସ୍ନାନ କରିକିରି ସେ ମଣ୍ଡପକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏ ମଣ୍ଡପରେ ଆଜ୍ଞା ମାଘ ସ୍ନାନ ହୁଏ, ଆଉ ସେ ମଣ୍ଡପରେ ବସିକିରି ଭୋଗରାଗ ଯାହା ଭୋଗରାଗ ସବୁ ସେ ମଣ୍ଡପରେ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଚାରିପଟଟା ପୁରା ଭରି ଯାଉଥିବେ ଲୋକ? ଲୋକ ସବୁ ଫୁଲ ସେଇଟା ମଶାଣିଟା ଯିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ। ଆଉ ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କର ସୌରଟା ଥୁଆ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଚାନ୍ଦିନୀଟା ହେଇଛି, ଚୂଡ଼ା ଭୋଗ ଭୋଗରାଗ ସବୁ ବନ୍ୟା ହେବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଏଇ ସ୍ଥାନଟା ହେଇଛି ମନ୍ଦିର। ମାନେ ବରାଳ ବାଲୁକେଶ୍ୱର ବାଲୁକେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ? ସାନ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଯେଉଁ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା କଥା କହୁଥିଲି, ଇଏ ଆଗେ ଏଇ ସାନ ଭାଇ ଯାଆନ୍ତି ଡାକିବା ପାଇଁ, ସେ ଦୁଇ ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକିରି ସେଠୁ ଆସନ୍ତି, ଆସିକିରି ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଆମର ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀଠି, ସେ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀଠି ବସିକିରି ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବନବାସ ଯିବା ଭିତରେ ଏଇ ବାଟ ଫେରିଥିଲେ, ସେଇଠି ବାଲିପୁଟଳାରେ ସ୍ଥାପନା କରିଦେଇ ଯାଇଥିଲେ, ପାତାଳ ଫୁଟି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏତେ କରୁଣା ମହିମା।